नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने टेक्निकल चैनल में जिसका नाम है एंड्रो गुरुजी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कल जो है MIUI 12 जो है यहाँ पर ग्लोबली और इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो फाइनली यहाँ पर हमको जो है अपने सभी इंडियन वेरिएंट और यहाँ पर ग्लोबल वेरिएंट हमको जल्दी देखने को मिल जाएंगे सभी डिवाइस के अंदर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो आप अपने जो MIUI 12 के अपडेट को है जल्दी से जल्दी पा सकते हैं बीटा टेस्टिंग के थ्रू। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी सेटिंग्स होती है जो कि आपको यहाँ पर कर लेनी चाहिए ताकि आपको जल्द से जल्दी यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाए MIUI 12 का। इसके अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले चीज आती है आपका, यहाँ पर आप सिस्टम चेक कर लीजिए एक बारी और चेक कर लीजिए आप बिल्कुल यहाँ पर लेटेस्ट बिल्ड पे हैं स्टेबल वाले। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थ्री डॉट में क्लिक करना है, यहाँ पर मोर के अंदर जाना है। जैसे कि सेटिंग के अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर थ्री डॉट में दबाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपडेट सेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली रिसीव अपडेट अर्ली का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसको आपको दबा देना है, ऑन कर लेना है यहाँ से सिंपली कुछ इस तरीके से जैसे मैंने कर रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स आपको एक मी अकाउंट जो है वो लॉगिन करके रखना है अपने डिवाइस के अंदर और उसके अंदर आपको यहाँ पर जो है शाओमी क्लाउड के अंदर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर फाइंड डिवाइस का, इसको आपको ऑन करके रख लेना है। जिसके अंदर आपको यहाँ पर कंपनी को पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा हैंडसेट है और किस अकाउंट में जो है और इसी अकाउंट से जो आपको बीटा टेस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर देना है। तो सिंपली कुछ इस तरीके से आपको जो है अपडेट जो है जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अपने डिवाइस के अंदर। और ध्यान रहे दोस्तों, जो ये अकाउंट है मी अकाउंट ही आपका 30 डेज से ओल्ड होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। एक और बात इसके अंदर आपको ध्यान रखने वाली ये है कि एक से ज़्यादा डिवाइस में अगर एक ही अकाउंट को आप चला रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन आती है कंपनी की तरफ से। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि कौन से डिवाइस में यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको लेट अपडेट देखने को मिलता है। तो 30 दिन से ज़्यादा जो है यहाँ पर अकाउंट जो है यहाँ पर आपका एक्टिवेटेड रहना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको MIUI 12 का अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए अपडेट आ चुका है लेकिन आपको अभी तक देखने को नहीं मिला तो आप यहाँ पर करेंगे। सिंपली फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है अगर पॉसिबल है तो यहां पर फोन को एक बार रीसेट जरूर से कर लें। रीसेट करने से फ्रेंड्स यहां पर फायदा ये हो जाएगा आपको कि कई बार फ्रेंड्स जब आप सिस्टम अपडेट करते हैं तो अपडेट करने के बाद आपका सिस्टम अपडेट भी हो जाता है, लेकिन कई बार जो है यहां पर थोड़े बहुत जो है प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को यहां पर लगता है कि अभी तक आपने अपडेट किया ही नहीं है डिवाइस को, जिसकी वजह से आपको नया अपडेट देखने को नहीं मिलता कई बारी। और कई बारी ऐसा होता है कि पुराने अपडेट में ही आप रह जाते हैं, आपको सबको नया अपडेट देखने को मिल जाता है लेकिन आपको काफ़ी बाद में देखने को मिलता है वो अपडेट, या फिर आपको कभी मिल ही नहीं पाता। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, एक बारी अपने डिवाइस को जरूर से यहाँ पर रीसेट जरूर कर लेना है अगर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो आपको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर बूट लोडर अगर आप अनलॉक कर सकते हैं, ऑफिशियली यहाँ पर MI ने कंफर्म कर दिया है, चाहे वो आपका पोको X2 हो और मी कंपनी MI कंपनी जो भी है Xiaomi कंपनी यहाँ पर सेम है, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही कंपनी है। MIUI का सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर चलता है, हालांकि ब्रांड्स बहुत अलग अलग कर दिए हैं, सब ब्रांड बना दिया पोको को, लेकिन है तो भैया एक ही कंपनी। तो MIUI दोनों अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, MIUI 12 का सपोर्ट हमको दोनों के अंदर देखने को मिल जाता है। पोको X2 मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बूट लोडर जो है उसको अनलॉक कर लेना है। अगर ऑफिशियली सपोर्टेड है बिल्कुल आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली बूट लोडर अनलॉक करने में। Xiaomi ने यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म किया है कि आप अब जो है बूट लोडर अनलॉक करते हैं तो उससे आपकी जो यहाँ पर वारंटी नहीं जाती, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो फ्रेंड्स अगर आपने बूट लोडर यहाँ पर अनलॉक कर लिया तो यहाँ पर सक्सेसफुली आप जो है यहाँ पर कोई भी रिकवरी यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर सकते हो कस्टम रिकवरी, और उसके बाद तो फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे भी कोई अपडेट आता है वो डायरेक्टली जो है आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो कस्टम वगैरह रोम वगैरह, और इसके अलावा यहाँ पर जो है बीटा बिल्ड हो गए, यहाँ पर जितने भी बीटा बिल्ड्स हो गए उन सभी को जो आप यहाँ पर बहुत ही प्यार से जो अपने फोन के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, हालांकि हमारे डिवाइस के लिए तो यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी अवेलेबल नहीं है, यानी पोको X2 के लिए फिलहाल, लेकिन अगर आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डालते हैं तो वो यहाँ पर ऑफिशियली सपोर्ट करती है और यहाँ पर आपको उसके अंदर ओटा अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपका डायरेक्टली ऑरेंज फॉक्स के अंदर जाएगा और वहाँ से जो है ओटा आपको मिल जाएगा, अपडेट हो जाएगा सक्सेसफुली, और इससे आपको यहाँ पर कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको सिर्फ वही अकाउंट इसके अंदर डालना है, सेम अकाउंट जिससे आपने बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सक्सेसफुली बिना बूट लोडर अनलॉक करे भी यहाँ पर MIUI 12 के अंदर अपडेट कर पाएंगे।
अदरवाइज यहाँ पर आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा और कोई भी रिकवरी के थ्रू तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप मेरी दी हुई जानकारी को अप्लाई करेंगे अपने डिवाइस में और जिसकी मदद से आप यहाँ पर जल्द से जल्द MIUI 12 में अपडेट कर पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को यहाँ पर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही MIUI 12 के आगे मैं अपडेट देता रहूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।